हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक न्यूज़ बताने जा रहा हूँ। अगर ऐसा हुआ तो सारे स्टॉक डूब जाएंगे, बहुत भारी नुकसान होगा दोस्तों शेयर मार्केट में। आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो आपको नोटिस करने वाला चाहिए, देख लीजिए, निफ्टी फिफ्टी के कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिनमें थोड़ा भी तेजी हो। थोड़ा भी तेजी दोस्तों किसी भी स्टॉक में नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, निफ्टी फिफ्टी का पूरा डब्बा खाली है, पूरा डब्बा खाली है। हाँ, ये क्या था दोस्तों, गेनर का, ठीक है, ये क्या है, लूजर। लूजर में यहाँ पर देख सकते हैं सारा भरा हुआ है, वहां तक कि 7%, 6%, 4%, मतलब 7 to 4%, इतना हेवी गिरावट दिखा गया है। और कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें आपको केवल 0.05% का भी आपको प्रॉफिट नहीं देखा जा रहा। और दोस्तों यहां पर देख सकते हो एडवांस, मतलब कि यहां पर जीरो, मतलब आज मार्केट बहुत तेजी से गिरा है। और यहां पर देख सकते हो दोस्तों जो बेरिस है मार्केट पे बहुत ज्यादा हावी हुआ है। अब मार्केट में इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ, बावजूद इसके बावजूद दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत में आए मोदी जी के साथ, फिर भी दोस्तों बताया जा रहा है कि ये देखिए, ये मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, जो न्यूज़ है, जो फैक्ट है, जो मैंने देखा, डेटा देखा, उस डेटे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बताया जा रहा दोस्तों कि अभी जो मार्केट गिर रहा है उसके पीछे कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब कैसे हम मान सकते हैं दोस्तों कि ये कोरोना वायरस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, डेटा और न्यूज़ के हिसाब से बताया जा रहा है कि दोस्तों जहां चाइना में पहले कोरोना वायरस की वजह से 2 लोग मरते थे, अब दोस्तों उसका जो है 100% में से 2% पे हावी था, अब उसका जो परसेंट है दोस्तों इंक्रीज हो चुका है 8 to 10%। मतलब आप अगर न्यूज़ देखोगे चाइना के बारे में, ठीक है, तो वहाँ घर से निकलना मुश्किल हो चुका है दोस्तों। जितने भी व्यापार होते हैं, छोटे बड़े बिजनेस होते हैं, सब कुछ बंद है, छोटा से बड़ा तक बंद है दोस्तों। और वहाँ पर जितने भी इंडिया वाले हैं, कुछ कुछ हैं, तो वो जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं वापस इंडिया आने के लिए। और आपको न्यूज़ देखना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई भी घर से अंदर बाहर नहीं निकल रहा, और उधर के बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये दोस्तों न्यूज़ में एक छोटा सा ट्विस्ट ऐसे आता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो चाइना में कोरोना वायरस फैला है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो नॉनवेज है उनकी वजह से हुआ है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जो वहाँ के साइंटिस्ट थे वो कुछ केमिकल ये बना रहे थे, कुछ बॉम्ब टाइप के बना रहे थे दोस्तों विस्फोट करने के लिए, उसी में से कुछ लीकेज हुआ है, लीकेज होने के कारण में ऐसा हो रहा। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनको पहले तो नज़रअंदाज किया, उसके बाद आज के डेट में उनको जो है बहुत बड़ा परिणाम देखना जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों डेटा है, न्यूज़ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ना ही मैं चाइना गया है और ना ही चाइना वाले ने आके यहाँ पर बताया। जो न्यूज़ दोस्तों इंटरनेट में अवेलेबल है वही यहाँ पर आपको बताया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। वहाँ बहुत बड़ी जो ये परेशानी देखी जा रही है, यहाँ तक कि यहाँ पर देख सकते हैं कैसे वहाँ पर रहते हैं सभी लोग, मतलब ग्रुप में कैसे यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, कैसे खुद को सेल्फ डिफेंस के तौर पर सेफ्टी लिया है यहाँ पर देख लीजिए। और बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम होने वाला अगर ऐसा रहा, अब इससे क्या इंडिया को क्या प्रॉब्लम होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा टायर मैन्युफैक्चर उधर से आता है। और बहुत ऐसे चीज़ हैं जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं, छोटे से लेके बड़े तक होते हैं, चाइना आपको पता होता है कि दोस्तों वो हर एक चीज में बहुत एक्सपर्ट है, बहुत एक्सपर्ट है। और वो इतना फटफट फटफट जो है अपना माल बनाता है, मतलब हर एक चीज को बहुत ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ करता है। और बहुत बड़ा दोस्तों इंडिया के बाद तो चाइना, दोनों सेम ही है आबादी में, 125 करोड़ के आसपास ही दोनों, ठीक है। तो अगर कुछ होता है दोस्तों चाइना में, तो इंडिया में भी इंपैक्ट देखा जाएगा ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के कारण, ठीक है, ड्यू टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के कारण। और आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा दोस्तों, जब लास्ट टाइम मार्केट गिरा था 1000 पॉइंट के आसपास जब गिरा था एक हफ्ते तक, तब भी इतना बड़ा जो है नहीं देखा गया था दोस्तों इम्पैक्ट, जो निफ्टी फिफ्टी का डब्बा गोल कर दे ऐसा नहीं था। लेकिन आज आपके पास ऐसा देखा जा रहा है, तो मैं बोलूँगा कि पहले आपको थोड़ा सेफ्टी रखना पड़ेगा। अगर शेयर मार्केट में कोई स्टॉक आप खरीद रहे हो तो मैं बोलूँगा पहले तो सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद या पैसा लगाइएगा, नहीं तो मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा वेट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्केट और गिरे, क्योंकि दोस्तों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं निकल पाया है एक्सेप्ट सेफ्टी। मतलब अगर इससे आपको बचना है तो क्या रहना पड़ेगा दोस्तों, कॉन्शियस रहना पड़ेगा आपको, अपने माइंड को सबकॉन्शियस रखना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा आपको, और सेफ्टी रखना है दोस्तों। जो लोग हैं पब्लिक प्लेस से, ये बताया जा रहा है। और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कमेंट करके बता रहे हैं कि ये जो मार्केट गिरा है वो दोस्तों इन्वेस्टर की वजह से गिरा है। सही है, जिनको जैसा न्यूज़ आ रहा है वो बस अपना अपना तरीका बता रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, लोगों को तरीका ना सुनना है, ज़्यादातर उनको फोकस नहीं करते हुए हमें खुद के लिए कैसे सेफ्टी रखना है वो आपको थोड़ा रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी मार्केट बहुत गिर रहा है, यहाँ पर देख सकते हो चाइना में दोस्तों हर एक रोड में, मतलब गली गली में वहाँ पर जो है केमिकल का जो है ये दिया जा रहा है दोस्तों, कुछ भी यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है। क्यों? सेफ्टी के
लिए किया जा रहा। तो मैं बोलूँगा थोड़ा अगर ऐसा हुआ कि जल्दी से इसका कोई इलाज नहीं निकला तो मार्केट थोड़ा बहुत और भी गिर सकता है। अगर ये रियल मतलब अगर ये फैक्ट है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से मार्केट गिर रहा तो मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है। अगर कोई इलाज कोई मेडिसिन या कोई तरीका नहीं निकाला गया तो मार्केट और भी ज़्यादा गिर सकता है। अभी आपने देखा निफ्टी 50 में एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो थोड़ा भी परफॉर्म किया हो, और अगर ऐसा ही रहा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाएगा अच्छे अच्छे स्टॉक में भी। ठीक है, तो आप कितने भी अच्छे स्टॉक क्यों ना ले ले, हो सकता है दोस्तों थोड़ा बहुत तो नुकसान आपको हो ही जाएगा। और यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि जो कोरोना वायरस है विल हर्ट जीएम प्रोडक्शन अर्निंग इन चाइना, मतलब कि दोस्तों कोरोना वायरस कभी भी किसी को नहीं छोड़ा। आप देखिए कैसे भी किसी भी इंडस्ट्री में काम हो सकता है जब लोग ही सेफ ना हो, जो लेबर्स हैं जो इम्प्लॉयज़ हैं जो बड़े बड़े जीएम हैं, अगर वही खुद सेफ नहीं है तो कौन जाएगा काम करने के लिए, कोई भी नहीं। अगर आप गूगल में अपने गूगल करके देख सकते हो जितने भी चाइना में दोस्तों सब घर के अंदर अपने दरवाजे को बंद करके रखते हैं सब, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर यही चलता रहा तो दोस्तों मार्केट में और भी गिरावट आ सकता है। तो सबसे पहले आपको सेफ्टी रखना है, ठीक है। मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अगर पैसे लगा रहे तो सही से देख के आपको पैसा लगाना, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करके इंक्रीज कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी के तहत मैं दूसरा वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कौन से स्टॉक में कितना सेफ्टी रखना है और कौन से स्टॉक में आने वाले दिनों में आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो सकता है। हालांकि ये न्यूज़ को आने के कारण भी क्यों, क्योंकि दोस्तों कुछ देखिए हर एक चीज़ का दो इम्पैक्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव। तो अगर इसके वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है तो कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री है जिनमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट देखे जाएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।